हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज के सेशन में एसबीआई क्लर्क प्री 2018 के 23 जून का जो स्लॉट 3 का एग्जाम है उसमें क्वांट के जो आस्क क्वेश्चंस हैं वो कुछ लेके आए हैं जिनको डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन नंबर सीरीज के हैं। स्क्रीन पे देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, 3, 4, 9, 32 क्वेश्चन मार्क 924। आप इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा है कि संख्याएं बढ़ रही है असेंडिंग ऑर्डर में और रेपिडली बढ़ रही है। 3 से शुरू हुआ और 924 पे जाके खत्म हुआ, तो ये अंदाजा लगाना तो मुश्किल नहीं है कि है तो मल्टीपल सीरीज, बट है क्या मल्टीपल में। तो आप इसमें देखें, अगर मैं 3 को 2 से गुणा करता हूं, 3 से मेरे को 4 लाने, और 4 तो 3 से 4 के लिए क्या करूं, या तो मैं 3 को 1 से गुणा करूं, 1 जोड़ दूं 4 आ जाएगा, या 3 को 2 से गुणा करूं और उसमें से 2 घटा। आगे वाला जो 4 से 9 लाने के लिए, अगर यहां मैं 1 से गुणा करता हूं तो यहां क्या करूं, या तो मैं 2 से गुणा करूं या 1.5 से गुणा करूं। अगर मैं यहां 1 से करके या 2 से करता हूं तो आगे मैं करता हूं 6 से गुणा, 6, 9, 4, 36 और माइनस। तो अब इसके लिए आप देखेंगे तो इसमें सही बैठ रहा है, 3 को 2 से मैं गुणा करता हूं और माइनस कर देता हूं, तो 3, 9, 6, -2, 4, और 4 को गुणा करता हूं फिर 3 से, 4, 3, 12 और -3, 9 आ गया, और 9 को करता हूं 4 से, मतलब ये 2 से गुणा था, ये 3 से था, आप इसको एक एक से बढ़ा रहे हैं, 9, 4, 36 और 4 ही घटा दिया तो आपका आ गया 32। तो यहां तक आपका सीरीज आपकी फिट बैठ रही है। तो इसमें नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, 5 से तो गुणा करेंगे, 5 ही घटा देंगे। 32 को 5 से गुणा करने के लिए क्या करें, 30 को 5 से करें 150 और 5, 2, 10 और जोड़ दें 160, 160 में से 5 घटाए तो आपका 155 आ गया और ये आपका आंसर आ गया। अब इसको चेक करने के लिए, अगर आपने चेक करना चाहें तो इसको करें 6 से तो गुणा करें और उसमें 6 ही घटा दें, तो 155 को आप 150 प्लस 5 माने, तो 150 को 6 से गुणा करोगे तो 900 तो ये आ गया, और 6, 5, 30, 930 में से 6 गए 924 और 924 ही आपके आ रहा है, तो आपका चेक हो गया, तो 155 इसमें आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, 12, फिर 12, फिर 36, 180 क्वेश्चन मार्क 11,340। अब 12 से शुरू हुआ 11,340 तक चला गया, इसका मतलब है तो मल्टीपल सीरीज, रिपीटली चेंज हुआ है, पहले कम हुआ और बढ़ता गया वो। तो 12 से 12 करने के लिए मैं क्या करूं, 1 से गुणा करूं तो 12 से 12 आ गया, और 12 को 3 से गुणा करता हूं तो 36 आ जाता है। अब 1 हुआ 3 हुआ, तो अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये 1 है 3 है, सभी ओड नंबर से, कंजुगेटिव ओड नंबर से। तो सबसे पहले अपने 5 की ट्राई करें, 5 से गुणा करते हैं इसको, 5 को 36 से 5 से गुणा करने के लिए 36 को 30 प्लस 6 माने, तो 30 को 5 से किया 150 और 6, 5, 30 180 ही आ रहा है, आपके चेक हो गए, तो आप इसको 6 से गुणा करें, 180 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 126 आगे एक सिफर लगा दिया तो आपका आंसर आ गया 1260। अब 1260 को आप चाहें तो 1260 को गुणा कर लीजिए, किससे करेंगे, 7 से होगा, 7 से जब गुणा करें तो आप क्या करें, इसको 1200 प्लस 60 मान लें इसको, अगर मैं इसको 1200 प्लस 60 मानता हूं और फिर उसको करता हूं गुणा 7 से, तो मौखिक हो जाएगा, 1200 × 7 = 84, 8400 तो एक आ गया, नहीं सॉरी, ये 5 से गुणा हुआ तो ये आपका 7 से गुणा होगा, देखो गलती कर गए ना, और ये होगा 9 से गुणा, तो 7 से गुणा जब होगा तो 180 को 7 से गुणा करने के लिए क्या करें, 1800 × 7 = 126, 1260 आपका आंसर तो ठीक है, 1800 × 7 = 126 हुआ। और जो चेक करने के लिए करेंगे इसको 9 से करेंगे, 1260 × 9, तो 1200 को 9 से करेंगे तो 12, 9 कितना आता है, 12, 8, 96 और 12, 9 = 108, तो 10,800, और 60 से करोगे तो 9, 6, 54, 540 और हो गया, तो 10,800 × 500, 10,800 × 500 = 1300, 11,340 ही आपके आ रहा है, तो ये 1260 आपका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, 6, 7.2, 8.7, 10.80, 11, आप देख रहे हैं स्मूथली बढ़ रहा है, और दूसरा पॉइंट्स में भी है, जैसे 0.2 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.1 है, जब 0.5 के अलावा दूसरा कोई पॉइंट है तो उसमें डिफरेंस की सीरीज 99% वो डिफरेंस की सीरीज है, आपकी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस हो सकती है या वो डिफरेंस डायरेक्ट हो सकती है। तो इसको देखिए 6 और 7.2, तो 7.2 में से 6 घटाओगे तो ये प्लस का 1.2 हो गया,
और 7.2 और 8.7, 8.7 में से ये घटाओगे तो कितना हो गया, 87 में से 72 घटा लो 15 हो गया, 1.5 हो गया प्लस 1.5, और ये 10.8 में से अगर आप घटाओगे तो ये हो गया 2.10, प्लस के हैं सभी, और ये हो गया 14.10 में से आप घटाएंगे तो ये हो गया 3.3 प्लस का। तो आप इनमें देखें अगर डिफरेंस इसमें तो 12, 15, 21, 33, अगर 12 और 3 15, 15 और 6 21 और 21 और 12, मतलब ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जैसे ही आप देखेंगे 12 और 15 में कितना फर्क है, 0.3 का, 15 और 21 में 0.6 का, और 21 और 33 में 1.2, मतलब डबल होता जा रहा है, 3 से 6 हुआ, 6 से 12 हुआ, तो अगला क्या हो जाएगा 2.40, और फिर इनको ये बनाओ ट्राइंगल और विद साइन इनको जोड़ दो, तो 14.10 प्लस 3.3 प्लस 2.40, तो ये कितना हो जाएगा 14 और 3 17 और 2 19, 19.4 और 19.8, तो ये आपका 19.8 है, ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। अब आप देखें अगला, 16 से 86 हुआ, 86 से 149 हुआ, 149 से 205 हुआ, मतलब बढ़ तो रहा है, आप फर्स्ट वाले से अंदाजा नहीं लगाए, फर्स्ट किसी भी वजह से बड़ा होता है। आगे वाला आप देखेंगे 86 से 149 हुआ, 149 से 205 हुआ, मतलब इसके बढ़ने की स्पीड उल्टी घट रही है, तो इसको आप स्मूथ इंक्रीज मान सकते हैं। तो डिफरेंस की सीरीज की इसमें पॉसिबिलिटी देखें, 60 और 86 कितना हो गया प्लस का 70, 86 और 149 कितना हो गया तो 14, तो ये हो गया, और 50 और 14 64 में से एक कम, ये हो गया आपका 63, 149 और 205 तो 51 और 5 56, तो 56। अब आप इसमें देखें डिफरेंस, जब भी देखें तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जरूर देख लें, 70 और 63 माइनस का 7, 63 और 56 माइनस का 8। अब ये सीक्वेंस कुछ आपकी बन रही है कि ये माइनस का 7 था, ये माइनस का 63, 16 और 86 का कितना हुआ आपका, 16 और 86 का 70 हुआ, और 86 और 149 का आपका 63 हुआ, और ये हो गया 56, तो 70 और 63 कितना हो गया 7, और 63 और ये हो गया 8, तो आगे वाला कितना होगा, अगर ये 7 है ये 8 है तो इसको अपने मान सकते हैं कि ये माइनस का होगा और ये 9 होगा, इन सबको जोड़ लीजिए आप, क्या हो जाएगा 205 प्लस 5 और माइनस का, नहीं 5 नहीं 56, ये 56 है, 205 और 56 और ये माइनस का 9, तो ये कितना हो जाएगा 220 और 5 25 250, तो ये हो गए, और 6 5 11 प्लस 2 और हो गए 252, 252। लास्ट देखिए क्या है, 7 से 14 हुआ, 14 से 40 हुआ, 40 से 103 हुआ, 103 से 227 हुआ, तो बढ़ तो रहा है, तो आप देखें तो इसका ये डबल है, लेकिन इसको आप देखेंगे तो ये 3 गुना भी नहीं है और ये एग्जैक्टली डबल है, इसको देखेंगे तो ये 2.5 गुना से थोड़ा ज्यादा है और ये डबल और 2.25 के आसपास ही आ गया, कोई सीक्वेंस नहीं बैठ रही है। आप डिफरेंस देखें तो 14 और 7, 7 और 14 में कितना फर्क हो गया, 7 का फर्क हो गया, और 14 और 40 में कितना हो गया, 26 हो गया, और 40 और 103 में 63 हो गया, और 103 और 227 में 124 हो गया। अब इन ये जो डिजिट्स हैं इनको देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये परफेक्ट क्यूब्स के आसपास की संख्याएं हैं, ये क्या है आपका 2 का क्यूब माइनस 1 है, ये 3 का क्यूब माइनस 1 है, ये 4 का क्यूब माइनस 1 है, और ये 5 का क्यूब माइनस 1 है, तो अगला क्या आ जाएगा 6 का क्यूब और माइनस 1, 6 का क्यूब 216 और माइनस 1 215, तो ये क्या आ जाएगा 227 प्लस 215, ये आपका आ गया 200 और 200 400, 420 और 10 30 430 और 15, 227 और 15, ये क्या 200 और 200 हो गए आपके 22 और 21 43 430 और 15 442 हुआ क्या 442 ही होगा है 442, क्यों 227 में आप 6 का क्यूब 216 और 1 215 जोड़ लो,
430 और 7 5 12, ठीक है, 442 यही आपका राइट आंसर है। तो ये आज की सीरीज थी स्लॉट थर्ड की। जैसे ही कोई और क्वेश्चन इस स्लॉट के मिलेंगे, क्वाड्रेटिक के, सिंपलीफिकेशन के, एप्रोक्सीमेशन, वो वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे, और इसके जो फोर्थ है, कल है वीडियो, आपको देते रहेंगे। प्लीज आप हमारे से जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस।